तो आपके मन में ऐसा सवाल आ ही गया होगा, आखिर ब्लैक ब्रिज है क्या? इज इट अ प्लेस विच बिलोंग्स टू ब्लैक पीपल, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे काला जादू होता है या काले साए रहते हैं? हाँ, ऐसी नहीं है यार ये जगह। चलो मैं आपको ले जाता हूँ, आखिर ये है क्या? लेट्स गो एंड वॉच इट। ओके गाइज, सो व्हाट्स अप गाइज, इट्स मी केतुल लाल, सो आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। तो आज का सीन ये है कि आज मैं आपको एक जगह दिखाने ले जा रहा हूँ जो काइंड ऑफ लेक टाइप है, और ये पेड़ मैंने आपको दिखाया था अपने लास्ट वीडियो में, इसके ना सारे पत्ते जा चुके हैं, मतलब सारे पत्ते गायब हो चुके हैं। अभी आप लोग को क्या ही बताऊँ, ये ना एक निशानी है, यहाँ पे विंटर आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे सारे पेड़ के पत्ते चले जाते हैं, लिटरली सारे पत्ते गायब। यहाँ का सीन ऐसा कुछ रहता है, और देखो किसी ने ना सामने ना हेलोविन का मतलब भूत लगाया है, हेलोविन का भूत का यहाँ पे लोग जो डेकोरेशन करते हैं ना वो लगाया है। और ये ना मतलब इसका सीन कैसा है ना कि मैं इसके पास जाता हूँ ना तब भी इसकी आंखें लाल होती है, लाल है, सारा सारा लाल है। मतलब क्या सेंसर लगाया इसने, ये देखो, ये रहा, से हाय। सीधा आपको ले जाता हूँ यहाँ से ब्लैक ब्रिज, जिस जगह पे जा रहे हैं ना उस जगह का नाम है ब्लैक ब्रिज, तो वहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो बस हम वहाँ पे जाएंगे और देखते रहो, और सीन कुछ ऐसा है ना कि वो यहाँ से करीबन 5-10 मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ पे जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहना। और वहाँ का सीन क्या है, क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, मैं आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे जाने के बाद दिखाऊंगा। 70 years later. तो अभी जैसे ही बाहर निकलते, जो मैंने पेड़ की बात की, शायद वो पेड़ नहीं था, इन द सेंस पेड़ के पहले और पौधे के बाद में जो आता है ना वो चीज़ वो थी, मतलब बीच में जो होता है, इंग्लिश में मेरे को पता है उसको हर्ब के बाद श्रब आता है, वो बोलते हैं हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज, बट वो क्या था मेरे को पता नहीं था, ऐसा तो बोल नहीं सकता कि 18 प्लस पौधा था, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर किसी लोग को पता है, मतलब जो भी लोग जानते हो, वो कमेंट करके बताना कि हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी ना मैं हिंदी सीख रहा हूँ, लाइक इम्प्रूविंग माई हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि आई एम गुजराती, भाई मैं गुजराती छूँ बराबर, तो मैं हिंदी सीख ही रहो छू ये सब करने के लिए, तो बस देखते रहो। और ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहता, जो भी लोग जानते हो कि वो क्या था वो कमेंट करना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मैम अपने बहुत ठंडी है, मतलब जैसे ही घर के सामने से राइट में जाता हूँ जो सड़क है उसके एग्जैक्ट सामने ना ऐसा कोई फार्म है, मतलब खेती करते या क्या करते यहाँ पे पता नहीं, अभी ये है क्या वो मुझे भी पता नहीं है, पर मैं निकलता हूँ ना तो हर रोज़ इसको देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये शायद वीट या राइस की खेती हो रही है, बट मैंने ना यहाँ पे कोई इंसान देखा ही नहीं, यहाँ पे कोई इंसान मेरे को दिख नहीं रहा आज तक, मैंने देखा भी नहीं। और अगर आप लोगों को पता है ये क्या है, कैनेडा में है, ये कैनेडा में खेती हो रही है, अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या है तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे को नहीं पता। और एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में सीन कैसा होता है कि आप घर से निकलो या कहीं से भी निकलो इंडिया में, तो कैसे ना सीधी सड़कें मिलती है, अभी जो जैसे एरिया में रहता है उसको वैसा होता है, उस टाइप की सड़कें वहाँ पे होती है। बट कनाडा का सीन कैसा है ना कि आप कहीं पे भी चले जाओ, ढलान चढ़ाए ऊंच नीच कैसे भी रास्ते सड़कें यहाँ पे आ जाती है। अभी मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ना वहाँ पे ना अभी मैं ढलान पे हूँ, तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, अभी ना वहाँ पे सामने ना चढ़ाई आएगी, तो फिर से चढ़ना है फिर से उतरना है, मतलब ये वेवी सिस्टम है यहाँ पे, सीधे रोड है ही नहीं यार, क्या कर क्या रहे हो यहाँ के इंजीनियर, कुछ भी बना देते हो। ये ढलान है, अभी वहाँ से नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद ना वापस हम ऊपर चढ़ेंगे, और वहाँ से बाद में ब्लैक ब्रिज आ जाएगा, तो यहाँ से करीबन 10 मिनट का ही रास्ता है। चलते 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 ना गाइज अपने को स्टॉप साइन दिख गई, अभी इसका मतलब क्या होता है ना कि कोई भी गाड़ी यहाँ से आए, मतलब कोई भी कार मतलब यहाँ से आ रही है इन द सेंस, तो उसको यहाँ पे आके ना ये जो लाइन दिख रही है ना वहाँ पे आके ना इसको 3 या 4 सेकंड रुकना है, दाएं बाएं देखना है कोई आ तो नहीं रहा, वरना अगर वो ऐसे ही स्टॉप किए बिना आप चले जाओगे ना तो एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। और ये तो लाइक रेलवे क्रॉसिंग है, तो अपने इंडिया में कैसा होता है ना कि वो बैरियर होता है इन द सेंस स्टॉप करने के लिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हो, इन द सेंस बहुत अच्छी जगह है, और एकदम ऐसी मस्त जगह लग रही है क्योंकि बीच में से एकदम ऐसे रेलवे ट्रैक जा रहा है और आजू बाजू में सारे पेड़ है, हैरी पॉटर जैसा सीन लग रहा है दोनों साइड ऐसा है। यहाँ से ना मैंने कभी ट्रेन को आते जाते देखा नहीं है, दोनों साइड स्टॉप साइन होती है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इन द सेंस आपको 3 सेकंड या 4 सेकंड रुकना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ब्लैक ब्रिज, और यहाँ पे पीछे जो आपको दिख रहा है ना ये जो ऊपर मेरे एग्जिट ऊपर है वो है ब्लैक ब्रिज, और यहाँ पे उसका बोर्ड है आ गया भाई, हाँ ये रहा, कितना लंबा है वो सब यहाँ पे लिखा गया, ट्रक अलाउड नहीं है यहाँ पे। और गाइस यहाँ का सीन कैसा है ना कि ये रोड 2-वे है,
और जैसे ही यहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो जाता है टू वन वे, मतलब इस ब्रिज पे से ना एक ही गाड़ी जा सकती है या आ सकती है एट अ टाइम, ओके। अगर वहाँ से कोई आ रहा है तो उसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और अगर यहाँ से कोई जा रहा है तो उसको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है। अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे ऐसा तो क्या है तो तू दिखाएगा या क्या ही बताएगा। इधर क्या है ना कि जब भी ना कैनेडियन लोगों का वीकेंड होता है इन द कैनेडा, लाइक यहाँ पे मैं कैम्ब्रिज में रहता हूँ, यहाँ के लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे खुद एक बोट आप मतलब खरीद सकते हो, मॉल में बोट्स मिलती है, वहाँ से बोट्स खरीदते हैं और यहाँ पे पैडलिंग करते हैं इस पानी में। उनको कोई ऐसे रोक वोक नहीं सकता, यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर भी वो लोग करते हैं। और ये पानी इतना गहरा भी नहीं है, मैंने छलांग नहीं मारी तो मेरे को पता नहीं है गहरा है कि नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, बट मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे ना वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत होती है और लोग कर सकते हैं, जैसे पैडलिंग है, कायाकिंग है, लोग करते रहते हैं। और ये जो पूरा ब्रिज है ये एकदम अच्छा ब्रिज है, तो बस देखते रहो। अभी सामने से ट्रक आ रहा है तो मेरे को उतरना पड़ेगा, वरना ट्रक मेरे को लेके चला जाएगा, क्योंकि ये वन वे है। कुछ कुछ लोग के दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि भाई इसको वीडियो बनाने से मिलता क्या है। अभी गाइज सबका अलग अलग पैशन होता है, मेरा पैशन ये है कि मेरे को खुद को ना वीडियो के अंदर देखने में ना बहुत मज़ा आता है। अभी मेरे को, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता, पर मैं जो भी कर रहा हूँ ना बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत ऐसा बहुत मज़ा आ जाता है मेरे को। एक वीडियो नहीं बनाता ना मैं, दो या तीन दिन में एक वीडियो नहीं बनाता तो मेरे को मज़ा नहीं आता, तो एक ऐसा है ना एक सुकून है मेरा वीडियो बनाना। तो गाइज मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करो ना, मतलब जो भी काम करो उसको एंजॉय किया करो, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा वो काम करने में। अगर आप ऐसे ही वो काम करोगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा और फिर कुछ होगा नहीं आपके लाइफ में, नो प्रोग्रेस। एंजॉय द वर्क यू डू गाइज, एंजॉय द वर्क, ओके, एंजॉय द वर्क। अगर लाइफ में कोई आपको सपोर्ट करेगा ना तो वो सिर्फ आपके माँ बाप है और कोई नहीं होगा। वो आपके वर्स्ट फेज में भी रहेंगे और अच्छे फेज में तो आपको खुद उनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ थे। अभी मैंने ना अभी तक मेरे माँ बाप की वैल्यू की नहीं। एक ऐसी एज चल रही थी टीनेज में ना, लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पता चलता नहीं है, माँ बाप की बातें बातें सुनते नहीं है, इन द एंड ना वो फंस जाते हैं। बट अच्छा है कि मेरे को अभी रियलाइज़ हो गया है, और मैं भी ऐसा बोलना चाहता हूँ जिन जिन लोगों को पता चल गया है कि माँ बाप है क्या, तो उनकी वैल्यू किया करो। और बहुत ही ठंड है गाइस इधर, और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। यहाँ पे आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड सबके साथ यहाँ पे आ सकते हो। मोस्टली कैनेडियन लोग जो होते हैं ना, जो कैनेडा की फैमिली होती है, जो लोग कैनेडा के होते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं वीकेंड्स मनाने, आप भी उनके साथ ज्वाइन कर सकते हो और ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ये ना हमारे लिए कुछ नया है इंडियंस लोगों के लिए, तो मज़ा आएगा, इट्स अ न्यू एक्टिविटी। तो गाइस बस यही था ब्लैक ब्रिज। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर ठोको और सब्सक्राइब ठोको, और शेयर करना यार, तो गाइस पता चले लोगों को कि यहाँ पे एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे ऐसा सब कुछ होता है। तो बस देखते रहो, टिल देन आपको जो भी करना हो करो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय, राधे राधे।